नॉलेज इन्फो में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार गुप्ता, LIC मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपको कुछ LIC से जुड़ी नई जानकारियां देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आज हमारे कुछ एम्प्लॉयमेंट हुए हैं LIC में, जिसके विषय में आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जो कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपा करके इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें, ताकि जो कुछ चेंजेस हुए हैं या कुछ इम्प्लीमेंट हुए हैं तो मैं आपको बता सकूँ, जो आपके जीवन में या आपके मतलब किसी भी चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि इधर कोरोना की वजह से हमारा लॉकडाउन जो लगा हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ ख़राब भी हुई है और आज भी वो चीज़ सामने आ रही है और चल रही है, तो जिसको हम लोग नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ के विषय में बात ज़रूर कर सकते हैं। तो पहले हम इस विषय पे बात करते हैं कि हमारे LIC में कुछ चीज़ों में चेंजेस हुआ है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम किसी नई पॉलिसी को किसी भी व्यक्ति को देते हैं जाके, तो अभी तक क्या होता था कि जनरली एक प्रपोजल फॉर्म भर दिया जाता था और उसको हम लोग वहाँ सबमिट करते थे और वो हमारा कंप्लीट होता था। अंडरराइटर उसको देखता था, उसको कंप्लीट करता था, उस पर अगर कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है चीज़ें तो हमें बताता था। आज क्या है कि हमारा जो फॉर्म है, जो एक नॉर्मली फॉर्म जो मेरा 300 नंबर चलता है, जो LIC में कॉमन है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी स्टेट में वो फॉर्म हमारा कॉमन है, चलता है। तो उसमें इम्प्लीमेंट ये हुआ है कि जो फॉर्म पहले हमारा 4 पन्ने का होता था, अब वो फॉर्म करीब करीब मेरा 12 पन्ने का हो चुका है। तो उसमें कुछ चीज़ें एडिशनल भी ऐड कर दी गई हैं, जो पहले हम लोग नहीं मांगते थे। आज की डेट में हम, जैसे कि पहले अगर पॉलिसी में देखा जाता था तो कि फादर्स नेम हमारा लिख दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में KYC अगर एक हम देखें तो बैंक भी आपसे KYC मांगती है, या कहीं पे भी आप कुछ करते हैं तो उस चीज़ में KYC की डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आज फॉर्म को इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि उसमें हमारी KYC भी एक तरीके से ऐड हो गई है। तो उसमें हमारा एक जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि मदर नेम भी अब हमारा साथ में आने लग गया है, कि जब तक हम मदर नेम को नहीं बताएंगे तो आगे हमारा फॉर्म नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि नॉमनी में सारी चीज़ें हैं कि पहले हम नॉमनी कोई किसी को भी डाल देते थे, कोई अगर वो फ्रेंड है तो उसका भी पड़ जाता था, और वहाँ पे क्या होता था कि फॉर्म हमारा प्रपोजल जो होता था वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि नॉमनी जो भी रहेगा वो आपका ब्लड रिलेशन ही रहेगा, आपका भाई हो सकता है, वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके सिस्टर हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ में उनका एक इंश्योरेंस का इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, कि मतलब हम अगर अपने भाई को बना रहे हैं तो उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है, कि जो मैंने अपने भाई को वहाँ पे नॉमिनी बनाया हुआ है, या मैंने अपनी मदर को बनाया हुआ है, या अपनी वाइफ को बनाया, तो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट जनरेट ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लागू कर दी गई हैं, जो पहले नहीं थी। पहले क्या होता था, क्लेम के मैटर में सबसे ज़्यादा इसी तरह की चीज़ें फंस जाती थी, कि अब किसी व्यक्ति ने अपनी एक पॉलिसी ली हुई है और उसमें नॉमिनी अपने फ्रेंड का डाल रखा है, तो वहाँ पे क्लेम मैं किसको दूंगा, उनके फ्रेंड को तो दूंगा नहीं मैं जाके। तो उन सब चीज़ों को आज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ये क्या है कि ब्लड रिलेटिव ही हमारा वहाँ पर नॉमिनी बनेगा। दूसरी चीज़ है, जो भी नॉमिनी पहले हमारा बनता था तो उसका कोई भी हम KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते थे, लेकिन आज की डेट में हम एक KYC जो हमारा नॉमिनी बन रहा है उसका भी हम एक KYC डॉक्यूमेंट्स पूरा लेते हैं, जिसमें कि आधार हो सकता है, आधार के साथ पैन भी हो सकता है और फ़ोटो भी हो सकती है। जो हम प्रपोजर का ले रहे हैं वही चीज़ हम उसका भी लेंगे, ताकि कल की डेट में अगर कोई हमारा क्लेम रेस्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है और जो सामने वाला पर्सन मेरे को प्रोवाइड करेगा वो हमारे मैच कर सके। तो इंक्रीमेंट थोड़ा सा ये भी हुआ है, मतलब कि इस चीज़ें में चेंजेस आए। दूसरी चीज़ है कि आज हम कोई भी प्रपोजल को डाल रहे हैं या हम अपने प्रपोजल को फाइंड कर रहे हैं या मतलब पास करवाने के लिए जा रहे हैं, तो जो कोरोना के केस में हमारे पास एक COVID-19 का भी एक फॉर्म को और ऐड कर दिया गया है। उस फॉर्म को ऐड करने का रीज़न ये है कि किसी व्यक्ति ने पॉलिसी जो लेने जा रहा है, कोई भी व्यक्ति जो पॉलिसी लेने जा रहा है, वो कहीं किसी बाहर से तो नहीं आया हुआ है, उसने कहीं इन बीच में कहीं यात्रा तो नहीं की है या ट्रैवलिंग तो नहीं की है या फॉरेन कंट्री से तो नहीं होके आया है, क्योंकि अगर वो आया है तो हो सकता है कि हम उसको पॉलिसी इश्यूएंस ना कर सकें। तो उस केस में हमारा एक फॉर्म COVID-19 का भी ऐड हो गया है,
जिसको हमें भर के देना पड़ेगा, तो उसमें भी जो डिटेल मांगी गई है अगर उसको हम फुलफिल नहीं करते हैं तो केस हमारा आगे नहीं बढ़ता है।